तुम्हारे बैतूल में दिखना चाहिए। वैसे भी ये मेरी जिंदगी का पहले प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं, पहला प्रोग्राम कि इतनी कम पब्लिक मेरे प्रोग्राम में है, वरना इससे 20 गुना 25 गुना पब्लिक मेरे प्रोग्राम में होती है। क्या मालूम आप लोगों ने एडवर्टाइज किया नहीं किया, पब्लिक क्यों कम है मेरी समझ में नहीं आया, मगर फिर भी मैं विनती करूंगा कि बाबा के जयंती के गाने को सेलिब्रेट कीजिएगा। जोश होता ये जोश, हाथ बांधकर मन बैठिएगा। ओ बदौलत हमको इज्जत मिली है, इनकी बदौलत।
Oh,
दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिला बैतूल के जिला अध्यक्ष संदीप पाटिल, इन्होंने 500 रुपए देकर नवाजा है। मेरी पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। उसी तरह हरिदास जी पाटिल आमला, इन्होंने 100 रुपए दिए हैं। गोपाल जी झरमड़े बैतूल, ऐसे 200 रुपए मिले हैं। पार्टी मेरी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। उसी तरह संभाजी झुरबड़े ग्राम हेमखेड़ा 100 रुपए दिए हैं। चट्टान की तरह महफूज खड़ा रहा तूफानों से लड़ने के लिए, ना किसी जातिवादी से डरा, ना मनुवादी से डरा। जग के झमेले में अकेला लड़ा, कोई साथी नहीं था बाबा साहब के साथ, पूरी दुनिया से अकेला लड़ा। जातिवाद से लड़ा, मनुवाद से लड़ा, जाति व्यवस्था से लड़ा। कैसे लड़ा, ना भाला ना तलवार, ना बंदूक थी मेरे बाबा के पास, ना किसी का लहू जमीन पर गिरने दिया। तलवार नहीं, भाला नहीं, पर्ची नहीं, इस जुल्म के साथ अकेला लड़ा। मगर कैसे लड़ा, नोक कलम we
बाबा साहब का जन्म हुआ और जब पढ़ाई लिखाई का वक्त आया, परदेश जाकर पढ़ने का मौका मिला, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ इन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाई का खर्चा उठाया ताकि बाबा साहब विद्वान बने, पढ़ लिखे। मेरे पिताजी का लिखा हुआ है, तो नागो का मकता है, कहता है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।